अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिशन साहसी के अंतर्गत 13 से 25 वर्ष की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए 15 दिवसीय कार्यशाला करेगी, जिसके तहत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 15 से 29 अक्टूबर तक विभिन्न महाविद्यालयों में छात्राओं से संपर्क करेंगे तथा उनको उन्हीं के कॉलेज में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि छात्रों की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य, स्वावलंबन को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 30 अक्टूबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 3500 छात्राएं शामिल होंगी। कार्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी देते हुए प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया। प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरा दायित्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय छात्रा सह प्रमुख का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिशन साहसी का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लड़कियों को, छात्राओं को आत्म प्रतिरक्षा के गुण सिखाना है, जिससे कि वो समाज में स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकें, निर्भय होकर जी सकें। मेकिंग ऑफ फियरलेस इसका उद्देश्य है। फरवरी माह में मुंबई में 8 से 10 हज़ार छात्राओं द्वारा एक महीने तक ट्रेनिंग लेने के बाद एक मेगा प्रदर्शन किया गया था, जो इतना लोकप्रिय हो गया कि विद्यार्थी परिषद का ये ध्येय कार्यक्रम हो गया कि पूरे देश भर में छात्राओं को फियरलेस बनाया जाएगा, उनको निडर बनाया जाएगा, निर्भय बनाया जाएगा। और अब पूरे देश में 30 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हर जिला केंद्रों, प्रांत केंद्रों पे हो रहा है। 15 से 20 हज़ार तक की छात्राएं हर जिला केंद्रों पे इस तरह की ट्रेनिंग ले रही हैं, प्रांत केंद्रों पे ट्रेनिंग लेके अपना प्रदर्शन करेंगी। 15 दिन तक हम इसके लिए कार्यशालाएँ चलाएँगे, महाविद्यालयों में संपर्क करेंगे, 13 से 25 वर्ष की आयु की लड़कियों को का रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, उनकी को ट्रेनिंग देंगे। 35 ट्रेनर हम लोगों ने तैयार किए हैं, उनकी भी कार्यशालाएं हो चुकी हैं। ये ट्रेनर महाविद्यालयों में जाके कम से कम एक हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे और इसके बाद जब ये छात्राएं ट्रेंड हो जाएंगी तो इनका एक जैसे स्टेप का एक मेगा प्रदर्शन 30 अक्टूबर को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ग्राउंड में किया जाएगा और वो मेगा प्रदर्शन 15 से 20 हज़ार तक की छात्राओं का करने का हमारा लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य ये भी है कि पूरे गोरखपुर महानगर में जिला मिला के कम से कम 35 हज़ार छात्राओं को आत्म प्रतिरक्षा के गुण सिखाए जाएँ। ट्रेनिंग उसी विद्यालय में जहां हम संपर्क करेंगे, वहीं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं हम ट्रेनिंग देंगे कम से कम एक हफ्ते, और अगर वो लगातार 10 दिन तक कर सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम ये चाहते हैं कि ये जितनी भी ट्रेनिंग सीखें वो लगातार उसके प्रैक्टिस में जब बनी रहेंगे तो हमारे मेगा प्रदर्शन में उसका जो प्रदर्शन होगा वो बहुत उन्नत किस्म का होगा।